सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज हम बात करेंगे, अगर गर्दन में दर्द हो रहा है या गर्दन की नसों में खिंचाव आ गया, गर्दन मुड़ नहीं पा रही है, तो उसको हम घर पे ही कैसे चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में ऐसे कौन से 3 तरीके जिनसे हम गर्दन का जो अकड़नपन है, गर्दन का दर्द है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है। तो सभी को पता है आजकल मोबाइल चलाते हैं ना, गर्दन नीचे रहती है तो यहाँ की नसों में खिंचाव आ जाता है ये चीज में है, या फिर तकिए को फोल्ड करके गर्दन को इतना ऊपर उठा के आराम से चलाते हैं, या गर्दन तकिया लगा के सोते हैं तो उसकी वजह से गर्दन में दर्द आ जाता है। नरम गद्दों पे सोते हैं उसकी वजह से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से गर्दन अकड़ जाती है। या फिर कंटिन्यू कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो गर्दन की नसें है ना उसमें खिंचाव आ जाता है, या फिर मसल्स में नसों में खिंचाव आने की वजह से हमारी गर्दन अकड़ जाती है, दर्द हो जाता है, घुमाने में ऊपर नीचे करने में हमारे को दिक्कत होती है। अब जानते हैं ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिनको हम अपना के ना अपनी किचन से ही लेकर और अपनी गर्दन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका, इसके लिए हमें चाहिए सोट पाउडर और सरसों का तेल। आप जहां पे दर्द हो उसके अकॉर्डिंग 2 चम्मच 3 चम्मच जितना भी जरूरी हो आप उतना, 3 चम्मच सपोज आपने सोट पाउडर ले लिया, उसके अंदर सरसों का तेल हम इतना मिलाएंगे कि वो एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। उस गाढ़े पेस्ट को जो भी अफेक्टेड एरिया हो गर्दन पे अपना बैक साइड में लगा के अच्छे से थोड़ी मसाज करके और लेप सा करके और एक पट्टी बांध लीजिए, 20-25 मिनट रहने दीजिए, फिर उसके बाद उसको हटा लीजिए। आप देखेंगे जो आपका दर्द खिंचाव होगा ना वो खत्म हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। तो दूसरा तरीका है, आपको लेना होगा इसके लिए खसखस और मिश्री, धागे वाली मिश्री, ठीक है। दोनों को 10-10 ग्राम ले लीजिए, धागे वाली मिश्री 10 ग्राम और खसखस जो है वो भी 10 ग्राम, दोनों को लेके एक महीन सा पेस्ट पाउडर करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ खा के सो जाइए, इससे क्या होगा जो आपके गर्दन का दर्द होगा ना वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, तीसरा जो तरीका है ना, जायफल सुना होगा, जायफल आता है उसको पीस लीजिए बारीक, ठीक है। उसको पीसने के बाद उसको पाउडर बन जाएगा, तो आप जो भी गर्दन का अफेक्टेड एरिया होगा ना तो उस जो हमने जायफल का पाउडर बनाया है, 1 चम्मच जायफल का पाउडर लीजिए, उसके अंदर पानी इतना डालिए कि वो उसका है ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, एक फाइन पेस्ट बना लीजिए, मतलब कि मीडियम बनाना है, पतला भी नहीं बनाना है ज़्यादा और ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, ठीक है। उस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा लेके अपना जहाँ पे भी दर्द है ना हल्के हाथों से मसाज करके और फिर जो बचेगा लेप उसका लेप सा करके ना पट्टी बांध के 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद पट्टी खोल के उसको साफ कर लीजिए। तो इससे भी आपका जो गर्दन में अकड़नपन होगा, दर्द होगा ना वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो गाइज, इसके साथ आप ये 3 तरीकों में से कोई सा भी एक तरीका अपना लीजिए। आप इसके जो लेप जो भी लगाएंगे आप कंटिन्यू 3 दिन एटलीस्ट लगाइएगा, दोनों को एक साथ नहीं यूज करना है, एक एक करके यूज करना है, ठीक है। मिश्री वाला जो तरीका है ना आप उस लेप के साथ ये 2 तरीके ये यूज कर सकते हैं, लेप दोनों में से कोई सा भी एक और मिश्री वाला रात को जो खा के सोना है वो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ जो 2-3 एक्सरसाइज होती है ना आप वो भी कीजिएगा कि दोनों हाथ गर्दन पे लगा के नीचे को प्रेस कीजिए, यहाँ की जो मसल्स होंगी ना नसें उसमें खिंचाव आएगा, ठीक है। दूसरा आप थोड़ी पे हाथ रख के पीछे को गर्दन कीजिए, यहाँ पे खिंचाव आएगा। इसके बाद ये चीज करके ये चीज स्ट्रेच कीजिए, यहाँ पे खिंचाव आएगा। ऐसे ही आप ये कीजिएगा इधर की साइड, ये चीज हो गया। इसके अलावा आप जो गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करते हैं ना, तो साथ में ही आप ये वाली एक्सरसाइज भी कीजिएगा और जो लेप बताया वो कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जो गर्दन में अकड़नपन होगा, नसों में खिंचाव होगा, दर्द होगा ना आपकी गर्दन का, वो छू मंतर हो जाएगा जल्दी। तो अब मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अगली बार। तो जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।